हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 2 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होती आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में कालिदास पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, कालिदास पुरस्कार से अंजलि इला मेनन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसमें आंसर आएगा, एस रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, जुलाई का पहला दिवस या 1 जुलाई को। बाकी देशों में यह दिन अलग अलग तारीख पर मनाया जाता है। भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म हुआ था और वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन है, जीएसटी दिवस के रूप में किस दिन को नामित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, 1 जुलाई को। जीएसटी को 1 साल पूरा होने पर वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाएगी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार के साथ पैन जोड़ने के लिए नई सीमा क्या है? तो इसमें आंसर आएगा, 31 मार्च 2019। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 29 जून को पैन कार्ड आधार को लिंक करने की तारीख अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यह 5वीं बार है जब सरकार ने पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर शुल्क बढ़ाया? तो इसमें आंसर आएगा, कनाडा ने। कनाडा ने अमेरिकी के 12.6 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, सुबोध कुमार जायसवाल, और ये 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हराकर भारत ने कबड्डी मास्टर दुबई 2018 का खिताब जीता? तो इसमें आंसर आएगा, ईरान को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी? तो इसमें आंसर आएगा, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बिग फोर मैपिंग प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, साप प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु से संबंधित अधिनियम को रद्द करने व संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, तमिलनाडु पब्लिक प्रॉपर्टी मालसेशन एक्ट 1987 को रद्द किया है। तमिलनाडु बंगाल और बॉम्बे चिल्ड्रन अधिनियम 1925 को रद्द किया है। तमिलनाडु राजस्व रिकवरी अधिनियम 1964 को संशोधित किया है। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी सर्वे के मुताबिक स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आंसर आएगा, भारत का 73rd स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधक निदेशक यानी एमडी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, अंशुला कांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो इसमें आंसर आएगा, नौसेना कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन 3 जुलाई को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 को भारतीय नौसेना में शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, इसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है, इसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है, चीन, रूस, ईरान इसकी रेंज में है। इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ओएजी द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है सीएसटी एयरपोर्ट यानी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 5 खराब हवाई अड्डों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रिपोर्ट समय से उड़ान के मामले में खराब प्रदर्शन के लिए जारी की गई है। नेक्स्ट है, इसमें कुल 513 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा 65वें स्थान पर रहा है। तो इसमें आपके ये चारों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त, सभी सही है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।